आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर सोमवार की शाम थम गया है। 23 फरवरी बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मंगलवार की शाम तक सभी पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में मतदान होना है, जिसके लिए बीती शाम प्रचार थम चुका है और पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ईवीएम मशीन, वीवीपैट पहुंच चुके हैं, सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं और कल सुबह यानी कि 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होना है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर में और सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए हैं। और इसी खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, जिस तरह से कल चुनाव डाले जाएंगे, सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, रायबरेली का जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है कि रायबरेली जनपद की 5 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होंगे जी। और 2001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा चुका है। कुछ पोलिंग पार्टियां जो है बसों से जो है वो जो है बस्ते बस्ते लेकर अपना जो आगे जा रही है मतदान केंद्र पर जी। अगर बात करी जाए प्रचारकों की, तो कौन कौन से स्टार प्रचारक आए हैं इस रायबरेली के चुनाव के लिए दम फूकने? जी हाँ, रायबरेली जो है कहीं ना कहीं चुनावी अखाड़ा बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह लेकर अनुप्रिया पटेल से लेकर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने यहाँ पर 2 दिवसीय दौरा भी किया था, जिसमें जो है वो रायबरेली जनपद की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। अपने 2 दिवसीय दौरे में उन्होंने यह पूरे जिले में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों को गिनाया व वहीं पर कांग्रेस को गरीबों का मसीहा बताते हुए रोड शो किया जी। ओम शंकर, बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कांग्रेस कहां दिखाई दे रही है रायबरेली में? नहीं, जनपद में 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, सरेली विधानसभा की सीट है जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र द्विवेदी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो है धीरेन्द्र बहादुर सिंह उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वही बछावा विधानसभा में सुशील पासी जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी और अपना गठबंधन की सीट जो है लक्ष्मीकांत को कई चक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो रायबरेली में 2 जगह पर कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है जी। अगर बीएसपी की बात करी जाए तो क्या बीएसपी इस बार वोटरों को लुभा पा रही है, या कोई संभावना है कि रायबरेली में कुछ सीटें मिल पाएंगी बीएसपी को भी? नहीं, बहुजन समाज पार्टी का तो खाता खुलता हुआ पूरे जनपद में कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो इनका दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रधानमंत्री की जो अन्न कल्याण योजना है मुफ्त राशन, उसके कारण जो है वो बहुजन समाज पार्टी से छिटकता हुआ नजर आ रहा है जी। अगर बूथ संख्या की बात करी जाए तो इस बार रायबरेली में कितनी बूथ संख्या देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों की? जी हाँ, मतदान केंद्र 2001 बनाए गए हैं और जो है वहाँ पर जो है पोलिंग पार्टियों को रवाना भी कर दिया गया है निष्पक्ष और सकुशल परिणाम के लिए जी। और सुरक्षा व्यवस्था, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जिले में? जी हाँ, कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सैनिटाइजर और थर्मोमीटर जो है वहाँ पर बूथ पे रखा जाएगा, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है अव्यवस्था की कहीं भी संभावना नजर नहीं आ रही है जी। जिस तरह से बीते 3 चरणों के चुनाव में ईवीएम खराब होने की तमाम खबरें आई थी, विरोध की यानी कि जो चुनाव बहिष्कार है उसकी भी खबरें सामने आई थी, तो क्या रायबरेली से ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? ईवीएम के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है कि अगर ईवीएम खराब होती तो क्या कुछ इंतजाम पहले से किए गए हैं? अगर कहीं विरोध देखने को मिलता है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? जी हाँ, ईवीएम खराब के लिए जो है कुछ ईवीएम जो है रिजर्व कोटे में रखी गई है, हालांकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। अभी तो जब वोटिंग शुरू होगी उस समय मालूम होगा कि ईवीएम खराब है या नहीं खराब है। रही बात सुरक्षा की, तो पहला मैट्रिक की टीम जो है आईटीबीपी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है जो मतगणना केंद्रों और बूथ केंद्र तक निकल चुकी है जी। अगर चुनाव बहिष्कार की बात करें तो क्या जिले से कहीं से भी ऐसी कोई खबर आई थी जहां पे लोग या ग्रामीण बहिष्कार करते नजर आए हो विकास को लेके, सड़कों को लेके? जी हाँ, रायबरेली जनपद में कम से कम 7 से 8 जगह ऐसी आई है जहाँ ग्रामीणों ने पोस्टर लगाकर जो है चुनाव बहिष्कार
करने का ऐलान किया था, लेकिन जिला प्रशासन और चुनाव आयुक्त के अधिकारी जो है वह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया है। हालांकि इस समय जो है चुनाव बहिष्कार किसी भी ग्राम सभा में नहीं हो रहा है, सबको सब मतदान करने की अपील करी जा रही है और कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन की भूमिका कारगर भी साबित हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली से। तो रायबरेली में चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी है, कल मतदान होना है और सुबह से ही मतदान के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। कल मतदान होगा, उससे पहले ही सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है, मतदाताओं को किसी तरह की किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही हर केंद्र पर दिव्यांगों और वृद्धों के लिए भी खास प्रबंध किए गए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा सके इसके लिए एक घंटे की समय सीमा भी बढ़ाई गई है पिछली बार से ही, और तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर मोबाइल बैन है और इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है इस चुनाव में, क्योंकि बीते दो चरण से ये देखा जा रहा है कि मतदान केंद्र पर मोबाइल बरामद हुए हैं, लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए उसकी फोटो लेते हैं और वीडियो वायरल करते हैं, तो इस पे रोकथाम के लिए भी सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है प्रशासन, और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की गलती इस चरण में ना हो। तो चौथे चरण काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, ये वो जगह है जो काफी हॉट सीटें मानी जाती हैं, और इस बार के चरण में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी है, काफी अहम है ये चुनाव। और उत्तर प्रदेश का चुनाव हर बार ही खास होता है और इस बार भी खास है क्योंकि हर बार के अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग चीजें निकल के सामने आती है, अलग अलग समीकरण होते हैं, सभी दलों के अलग अलग गठबंधन होते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही है, जहां बात करी जाए सपा की तो सपा ने कई पार्टियों से गठबंधन किया है, कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, और पिछली बार जिस तरह से योगी मोदी लहर देखने को मिली थी, इस बार जिस तरह से कई प्रदर्शन देखने को मिले हैं, कई लोगों की नाराजगी देखने को मिली है, कई जो मुद्दे उठाए विपक्ष ने, रोजगार का, महंगाई का, उसका असर भी देखने को मिल रहा है, किसान आंदोलन का भी, तो इन सब चीजों का जो असर देखने को मिल रहा है उससे भी माना जा रहा है कि सपा मजबूत कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बाकी पार्टियां कहीं पीछे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता चैतन्य जुड़ चुके हैं उन्नाव से। चैतन्य, उन्नाव में क्या कुछ चुनावी तैयारी देखने को मिल रही है? जो है लगातार जायजा कर रहा है, अपना इंस्पेक्शन उसका लगातार जारी है। बताना चाहूंगा कि करीबन 23 लाख मतदाता इस बार जो है अपने मतों का दान कर मतदान करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशासन द्वारा इस बार जागरूक भी किया गया है कि मतदान किया जाए, और कहीं ना कहीं इस बार जिला प्रशासन की तैयारियां बहुत अच्छी रही और लोग खुद भी जागरूक हैं। यहाँ पे उन्नाव में गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं गुस्सा है, कहीं ना कहीं कोई प्रतिनिधि को लेके नाराज है, कोई जिला प्रशासन को लेके नाराज है। लगातार किसान परेशान रहे इस बार छुट्टा मवेशियों को लेकर, लेकिन फिर भी उनको जागरूक किया गया है कि आप लोग अपना मतदान जरूर करें। जी जी, जिस तरह से कई शिकायतें नजर आ रही हैं ग्रामीणों में, लोगों में, तो क्या इसका असर इस बार के चुनाव पे पड़ेगा? जिस तरह से पिछली बार बीजेपी की लहर देखने को मिली थी, इस बार लोगों के गुस्से की वजह से वो लहर कहीं कम दिखाई दे रही है, तो क्या इसका फायदा अन्य पार्टियों को होगा? लगातार ब्यूरोक्रेट जो है, बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनके निर्देश पर जागरूक करने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जो पिछले वर्ष हम लोगों ने जो पिछले चुनाव में देखी थी, कहीं ना कहीं उसकी कमियां, उसकी भरपाई क्या जिला प्रशासन कर पाएगा, या फिर जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं क्या उसको भरपाई, खासकर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, लगातार जाके उन्होंने कल तक ये प्रयास किया कि लोग वोट जरूर करें, और जिला प्रशासन ने भी पूरा प्रयास किया कि वोट जरूर करें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो पूरी पूरी तरीके से असहमत नजर आ रहे हैं, जो साफ 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 तौर पे यही कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये दुर्दशा अगर हम लोगों के साथ हो रही है तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। फिर भी उन लोगों से अपील की गई है कि वोट जरूर करें, ये एक मतदान जो है वो लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व है, अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आगे की जो भी आप जिसको भी चयन करना चाह रहे हैं, जिस सरकार को भी लाना चाह रहे हैं, उसको आप नहीं ला पाएंगे। जी बिल्कुल। चैतन्य, उन्नाव में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? अभी तक जो मतदान केंद्रों की जहां तक आपकी बात की जाए, तो यहां पे 6 विधानसभाएं हैं, 6 विधानसभाओं के जरिए जो है हर जगह पोलिंग बूथों पे, और जो मतदान केंद्र की बात किया जाए तो वहां पे एक मतदान केंद्र यहां पे खासकर सर्किट हाउस में बनाया गया है जहां से लोग मतदान करेंगे।
जी, प्रत्याशियों की बात करी जाए तो सबसे सीधी टक्कर किन किन के बीच देखने को मिल रही है हर विधानसभा में? अगर विधानसभाओं की आप बात करें तो खासकर सदर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इनके बीच में खासकर चुनाव जो है काफी लगातार जो है संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, जो पिछली बार नहीं देखने को मिला था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं उसको करनी पड़ रही थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं किसानों का गुस्सा साफ तौर भारतीय जनता पार्टी के साथ देखा जा सकता है। कई जगह प्रत्याशी जब जाते हैं वहाँ भाजपा के प्रत्याशी तो उनको साफ तौर पे कह दिया जाता है कि विकास नहीं तो वोट नहीं, समस्या है तो वोट नहीं। इस तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ इस बार पिछली बार से ज्यादा मजबूत नजर आया है। कहीं ना कहीं उसका फर्क जो है इस बार देखा जाएगा और लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार से इस बार जो भाजपा की टक्कर है वो सीधे समाजवादी पार्टी से है। कई विधानसभाओं में है, छह विधानसभाओं की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर आप विधानसभा जो है 163 की बात करें तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार कहीं ना कहीं 27,000 वोटों से आगे थी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने 27,000 वोटों से विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सपा का गढ़ वहां पे भी मजबूत नजर आ रहा है। जी, कांग्रेस और बसपा कहाँ देखने को मिल रही है, पिछले चुनाव में उनका क्या स्थान था और इस बार क्या देखने को मिल रहा है? कांग्रेस का स्थान और बसपा के स्थान की बात करें तो बसपा कहीं ना कहीं तो मजबूत नजर आई, तीसरे पायदान पे नजर आई, लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें तो उसमें केवल एक विधानसभा है जो कि बांगरमऊ विधानसभा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे तो कांग्रेस दूसरे पायदान पे रही थी, लेकिन इस बार भी जो सपा का कैंडिडेट है वो इस बार ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन हालांकि वहां पे लोकप्रियता की बात करें तो आरती वाजपेयी की लोकप्रियता अच्छी रही है, पिछली बार दूसरे पायदान पे रही थी, तो कहीं ना कहीं किसानों की समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नुकसानदायक है और कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो बार बार लोगों के पास जाकर समस्याओं का आश्वासन दिया लेकिन फिर भी किसानों की समस्या हल नहीं हो पाई। हालांकि लास्ट टाइम में जो पीएम मोदी का भी भाषण हुआ था उन्होंने कहा था कि 10 मार्च के बाद जो है इन समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा, खासकर गौवंशियों की समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे जो है अगर गाय आपके पास वो दुधारू नहीं है तो उसके बावजूद उससे कहीं ना कहीं व्यवसाय की बात कही उन्होंने। तो ये जो आखिरी चेक एंड मेट वाला जो एक भाषण था जो मोदी जी का, उससे कहीं ना कहीं कुछ बदलाव जरूर देखे जा सकते हैं, लेकिन किसानों की समस्या अभी भी जस की तस है, इसलिए किसानों में काफी आक्रोश है। कहीं ना कहीं ये सपा के गढ़ को जो लेकर सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी, अगर आप पूरे प्रदेश में भी बात करें तो सपा का गढ़ जो एकदम प्रतिद्वंदी निकटतम प्रतिद्वंदी है भाजपा के, वो समाजवादी पार्टी ही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी कहीं पे भी यहाँ पे खासकर उन्नाव के क्षेत्र में एक विधानसभा को छोड़ के अन्य विधानसभाओं में कांग्रेस का गढ़ बहुत कमजोर नजर आ रहा है। जी चैतन्य, अगर बात करी जाए सुविधाओं की मतदान केंद्र पर तो क्या कुछ सुविधाएं देखने को मिलेंगी वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरह कराया जाएगा? जहां तक की कोरोना प्रोटोकॉल की बात है तो इसमें एक अहम बात यह है कि उस पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। जिला प्रशासन लगातार हर तरीके की बातें, हर तरीके की सुविधाएं देने की बात कर रहा है। विकलांगों को सुविधा देने के लिए सुविधा प्रदान की गई थी कि उनके डोर टू डोर कैंपेन चला के विकलांगों को खासकर चिन्हांकन उनका करके और उनका वोटिंग एक दिन पूर्व करा ली जाएगी। लेकिन जब बात आती है कोरोना प्रोटोकॉल की तो कहीं ना कहीं लापरवाही इस कदर यहाँ पे हावी है कि जैसे ही ये एक मैसेज आता है कि कोरोना का रेशियो खत्म हुआ है तो वहाँ लापरवाही बढ़ जाती है। तमाम रैलियां हुई हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी लोग बिना मास्क के नजर आए। तो जिला प्रशासन अगर कोरोना की बात करें तो उसको लेकर हमेशा से लापरवाह रहा है। तो अगर जिला प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल को अच्छे से निभाना चाहता है तो कहीं ना कहीं मास्क की अनिवार्यता को उसको बिल्कुल सख्त तरीके से उसका पालन कराना चाहिए, जो कि इस बार कितना किस हद तक करा पाता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता चैतन्य जुड़े थे उन्नाव से। तो मतदान केंद्रों पे सुरक्षा व्यवस्था तो बनाई गई है और साथ ही वादे तो करे गए हैं और ऐसा कहा भी गया है कि वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए व्हीलचेयर मुहैया कराई जाएगी और खास सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन ये कल ही पता चलेगा कि किस मतदान केंद्र पे कितनी सुविधा मुहैया कराई जा रही है या फिर कितनी लापरवाही देखने को मिल रही है। पिछले चुनाव में हमने देखा यानी तीसरे चरण में कई लापरवाहियों की खबर सामने आई थी और इस बार क्या उन लापरवाहियों से, उन गलतियों से प्रशासन सीखता है, अपनी गलती को सुधारता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है काफ़ी अहम है और गोपनीयता की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं तीसरे चरण में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कई मतदान केंद्रों पर लोग फोन लेके गए और वहाँ से तस्वीरें भी वायरल हुई।
हालांकि एक्शन लिया गया, ऐसे लोगों पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। अगर इस गलती को दोहराया जाता है तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में चौथे चरण का चुनाव है, तो ये चौथे चरण का चुनाव कितना अहम माना जा रहा है? जी, अगर चौथे तीन चरणों के बाद अब चौथे चरण का मतदान कल यानी कि 23 फरवरी को होना है। इसमें 9 जिलों की लगभग 59 सीटों पे ये अपने चुनाव है। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें, 2017 की बात करें, तो बीजेपी ने 59 सीटों में से 51 सीटों अपने खातों में करने में काबिज हो पाई थी, कामयाब हो पाई थी। वहीं सपा के हाथ में 4 सीटें आई थी और बसपा 3 सीट आई थी। वहीं अपना दल सोनेवाल के हाथ में 1 सीट आई थी। तो खास तौर से हम कह सकते हैं कि इस बार जो लखनऊ का मध्य एरिया है वहां से भाजपा लगभग 9 सीटों पे अपने प्रत्याशी और सहयोगी दलों के साथ उतारी है। और वहीं अगर बात करें तो लखनऊ, पीलीभीत, उन्नाव समेत जो तमाम हरदोई समेत तमाम 9 जिले हैं वहां पे मतदान होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2017 चुनाव में जो 51 सीट जीत कर और विधानसभा की चाबी लेने में ये चौथे चरण के मतदान काफी अहम था, तो क्या इस बार भी ऐसा होता हुआ दिखेगा या फिर बदलाव होगा? वहीं अगर बात करें तो खीरी की जो निघासन सीट है तो वहां पे इस बार जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर जो केंद्रीय एमओएस अजय मिश्र टेनी के पुत्र जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला आया था जिसमें उनकी हाल ही में जमानत हुई है, तो इसका भी जो ये मामला है पूरा, ये भी उस निघासन की सीट और खीरी समेत आसपास के जो जिले हैं उसका भी प्रभाव डालेगा। आने वाले समय बताएगा कि कितनी सीटें कौन निकाल के आता है। जिस विभाषु चौथे चरण में कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जिनकी साख दांव पे लगी है? जी, अगर बात करें तो हरदोई से नितिन अग्रवाल जो कि समाजवादी पार्टी से 2017 में भाजपा की खेमे में गए, वो भी इस बार हरदोई से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के कानपुर से बात की जाए, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक की बात की जाए तो वो भी लखनऊ कैंट से इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनके सामने अभिषेक उत्तरी से विधायक रह चुके हैं, वो उनके सामने है। वहीं अगर बात करें तो आशुतोष टंडन भी लखनऊ पूर्व सीट से हैं और वो भी नगर विकास मंत्री रहे हैं। तो ऐसे तमाम बड़े नेता साफ इस सीटों पे लड़ रहे हैं और इस चरण में है। अब आने वाला 10 मार्च को तय करेगा कि कौन जीत के आता है और कौन सरकार बनाता है। जी सिखा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है और 2 सबसे अहम हॉट सीट है लखीमपुर खीरी लखनऊ। लखनऊ जहां राजधानी है उत्तर प्रदेश की, लखीमपुर खीरी एक बड़ा मुद्दा रहा है, चर्चा का विषय रहा है और कई ऐसी बातें निकल के सामने आई है जो किस चुनाव पर असर डाल सकती है। वो चाहे लखीमपुर खीरी में जो अभी कांड हुआ था उसको लेकर हो या फिर जो है राजनीति, किसान आंदोलन और तमाम मुद्दे देखे जाएं तो सभी असर डाल रहे हैं। अपने अपने हिसाब से सभी सीटें अहम हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो काफ़ी चर्चा में रही हैं और इसका सीधा असर राजनीति पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बार के चुनाव पर भी सीधा असर पड़ रहा है, जो कि 10 मार्च को पता चलेगा कि क्या असर हुआ है बीती घटनाओं का। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। संवाददाता अमरदीप, फतेहपुर में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं कल चुनाव के लिए मतदाता? ये बात बिल्कुल सही है कि फतेहपुर जनपद में कल 23 फरवरी को चौथे चरण का जो मतदान होना है, तैयारियां तो देखिए प्रशासन ने पूरी तरीके से कर ली है। और रही बात ये कि जो जैसे दिव्यांग हमारे मतदाता हैं उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की है, मेडिकल की भी व्यवस्था की है कि अगर किसी को भी चाहे वो मतदान कर्मी हो या कोई मतदाता हो उसके लिए यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्वा दुबे ने पूरी तैयारियों का जो है जायजा लेते हुए पूरी सारी तैयारियां करनी है। और भी बहुत सारी ऐसी तैयारियां हैं क्योंकि यह कल जो है 9 जिलों के 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। तो इस तरीके से फतेहपुर जनपद में पूरी तरीके से प्रशासन सतर्क है और पूरी तरीके से सजग है, पूरी तैयारियां भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है।
अमरदीप, फतेहपुर में कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पे लगी है, जिनका जीतना इस बार काफी अहम है? अगर जीतते नहीं है तो उनके लिए बड़ी बात होगी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि फतेहपुर जनपद में जो बड़े चेहरे सामने निकल कर आए हैं, जैसे उनमें की अगर बात की जाए तो वर्तमान सरकार में इस समय जो प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री हैं जयकुमार जैकी, उनकी भी साख दांव पे लगी हुई है, दांव पर साख लगी हुई है। और वहीं पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी, जो हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। दूसरी सदर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सदर विधायक विक्रम सिंह थे, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। इसके बाद खागा विधानसभा की अगर हम बात करें तो खागा विधानसभा में कृष्णा पासवान की जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई, ये एक ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और अब ये देखने वाली बात है कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। जी अमरदीप, जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे आए और उन्होंने कई दावे वादे किए, वो चाहे बीजेपी की तरफ से हों या फिर सपा की तरफ से हों, लेकिन क्या इन दावों वादों का असर पड़ेगा? जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई है, बड़े चेहरे जनता के बीच गए, वोट की अपील करी, तो इस बड़े चेहरों को उतारने का कितना असर पड़ेगा, वो चाहे बीजेपी की तरफ से हो सपा की तरफ से? बहुत अच्छा सवाल किया शिखा जी, कि सारे प्रत्याशियों ने लगभग फतेहपुर जनपद में सभी बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को बुलवा करके जो डोर टू डोर कैंपेन करवाई है, इसके बाद जो जनसभाएं की हैं, रोड शो किया है, उसका तो कहीं भी ये नहीं असर लगता कि कोई इसका खास प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार प्रचारक होते हैं, जो रोड शो करते हैं, जनसभा करते हैं, उनको जनता केवल देखने के लिए आती है। कारण ये है कि जो जो व्यक्ति या जो स्टार प्रचारक, उनको पेपरों में देखने को मिलता है, टीवी चैनलों में देखने को मिलता है, पर वो सामने नहीं आते। तो ऐसे स्टार प्रचारकों को देखने के लिए केवल भीड़ को इकट्ठा होती है, पर उसका असर कितना होता है ये तो जनता ही 10 मार्च को जो मतगणना होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार उन स्टार प्रचारकों का जो अपने प्रत्याशियों, अपने समर्थित प्रत्याशियों के लिए जो रोड शो किया, जनसभाएं किया है, उस पर क्या असर दिखाई पड़ेगा जनता। फतेहपुर में मुद्दे तो कई हैं, बीजेपी सपा में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें कांग्रेस बसपा कहां नजर आ रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपने सवाल किया है उस पर बीजेपी और सपा की कांटे की टक्कर को देखने को मिल रही है, पर इसके साथ में ये भी है कि कांग्रेस और बसपा पर ऐसा जरूर है कि कांग्रेस और बसपा का ग्राफ तो जरूर बढ़ेगा। जी, ग्राफ बढ़ने से उनका कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो जैसे जनता में थोड़ा आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, किसानों में तो मोस्टली आक्रोश की एक झलक बहुत तेजी से दिखाई पड़ती है, जैसे कि ये अन्ना मवेशियों से परेशान है, महंगाई से परेशान है, रोड पर गड्ढे हैं, गड्ढे पर रोड है, ऐसी जो भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो इसमें जरूर असर दिखाई पड़ेगा जाकर के। पर हाँ, इतना जरूर है कि अगर देखा जाए तो भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर जो दिखाई पड़ रही है। कि अमरदीप, अगर पिछले चुनावों से तुलना करी जाए तो 2017 में जो परिणाम आए थे मोदी लहर में, योगी लहर में, और इस बार लहर कुछ कम है, दावे वादे ज्यादा है, हर पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, क्या लगता है पिछली बार से इस बार के परिणाम कितने अलग हो सकते हैं? देखिए शिखा जी, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूं कि 2012 में जो फतेहपुर जनपद का जो मतदान प्रतिशत था वो जो है 58.9% था, 3% था, जिसमें की सपा की सरकार बनी थी। पर इसके बाद जो 2017 में ये कि बीजेपी यानी मोदी की जो लहर आई उस पर 58.76% जिसमें कि बीजेपी की सरकार बनी जाता है। पर अब इसके बाद ये है, इस समय जो वर्तमान स्थिति पर जो ग्राफ देखने को मिल रहा है तो उसमें उस ग्राफ में बदलाव बिल्कुल पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और ये बदलाव क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि मई की जन विधानसभा में पहुंचने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव मोस्टली जनता करती है और जनता के ऊपर ही सारी चीजें निर्भर होती हैं। क्योंकि हाँ, इतना जरूर है कि एक दिन जनता का होता है और 5 साल जनप्रतिनिधियों का होता है, तो 5 साल में जनप्रतिनिधियों द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जो झिझोरा पीटा गया है फतेहपुर जनपद में, उससे कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब ये देखने की बात होगी कि जनता किसके स्तर पर ताज रखती है, वो सारी चीजें 10 मार्च के बाद ही पता चलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी जुड़े थे। तो 10 मार्च को फैसला होगा कि किसके सर ताज सज्जता है, हर एक सीट अहम मानी जा रही है, सभी बड़े दिग्गजों को उतारा गया जमीनी तौर पर, जनता के सामने कई दावे वादे किए गए, कई जनसभाएं की गई अपनी पार्टियों की,
उपलब्धियां गिनाई गई हैं, अपनी पार्टियों द्वारा किए गए कामों को गिनाया गया, विपक्ष पे जमकर निशाना साधा गया, लेकिन अब इसका क्या असर पड़ता है ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।